किसी पार्टी सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में लेकर चुनाव आयोग भी इस तरह के निर्णय लेता है। मुझे लगता है पहले भी इस प्रकार का निर्णय हरियाणा में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी चुनाव आयोग से कि चुनाव की जो डेट है वो बढ़ाई जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में लगभग एक दर्जन से ज्यादा जगह पर जो है वो विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से तीन जगह ऐसी हैं जिनके जो उपचुनाव हैं उनकी जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी, पंजाब और केरला की। ये जो तीनों जगह हैं इन पर पहले 13 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन अब इनकी जो तारीखें हैं चुनाव आयोग ने वो 20 तारीख कर दी है। 20 तारीख को यहां पर चुनाव होने हैं। आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि जो चुनाव की तारीखें हैं पहले तय कर दी जाती हैं, नोटिफिकेशन आता है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग जो है उसको कुछ जो पार्टियां हैं वो आवेदन करती हैं कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए, कुछ रीजन देके, कुछ कारण देकर, और उसके बाद वो तारीखे आगे बढ़ा दी जाती हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि अभी जैसे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं बहुत सारी जगह पर, तो उनमें से पंजाब, यूपी और केरला की बात करूं, वहां पर चुनाव जो होने थे वो 13 नवंबर को होने थे, लेकिन अब वो 20 नवंबर को कर दिए गए हैं। तो ये सब जो होता है, ये क्या जो सत्ता पक्ष है, मैं बड़ी सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष के दबाव के कारण होता है ये सब कुछ? देखिए राजेंद्र जी, जैसे आपने उपचुनाव की बात की, डेट बढ़ाने की बात की, अभी जो 13 और 20 तारीख को जो 15 स्टेट में 50 विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें 48 विधानसभा के चुनाव उपचुनाव हैं और दो हैं वो लोकसभा के चुनाव हैं। 48 जो विधानसभा के चुनाव हो 14 स्टेट के में आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं जी, पंजाब में 4 होने हैं और केरला में 1 होना है। तो इस प्रकार से 14 स्टेट में 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। और अभी जो डेट बढ़ाने की बात की है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में डेट बढ़ाई गई, तो ये किसी राजनीतिक पार्टी के निवेदन पे और गुजारिश करने पे ही उनके द्वारा, उन जो राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि इन पे, इन राज्यों में त्योहार पड़ते हैं और जो वोटर है उन पे, वोटर पे इफेक्ट पड़ेगा त्योहारों का, क्योंकि वोट परसेंटेज कम होगी। जैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में जो डेट बढ़ाने की मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी, पंजाब में 13 से 15 तक जो 13 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है और उसके साथ साथ गुरु पर्व भी है, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि जो त्योहार है उस त्योहार की वजह से कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज कम होगा और पंजाब में ये चुनाव की डेट आगे बढ़ाई जाए। दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जो डेट बढ़ाने की मांग की थी ये भारतीय जनता पार्टी ने और आरएलडी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने और बहुजन समाज पार्टी ने मांग की थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना है। 9 सीटों में से पहले अगर हम बात करें तो 6 सीटों पर मुझे लगता है सपा के विधायक है और 3 सीटों पर जो है उसपे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो ये 9 सीटें जो खाली हुई हैं, विभिन्न कारणों से खाली हुई हैं, इनपे चुनाव होना है जी। तो दूसरी ओर जो केरला में भी कांग्रेस चुनाव बढ़ाने की जो तारीख की मांग की गई थी वो केरला में कांग्रेस पार्टी ने की थी। केरला में भी एक पर्व, एक उत्सव पड़ता है 13 से 15 तारीख तक के, जो कल्पाधि और रास्थोल सेवम ये उत्सव है, वहाँ पे त्योहार है, वो मनाए जाते हैं और इनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी। दूसरी ओर जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी की मांग की, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डेट बढ़ाने की जो मांग की थी वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसको देखते हुए 20 तारीख को, हालांकि 2 चरणों में चुनाव होना था जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र है, तो इनकी 9 की जो बात करें, 14 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, इन 14 का जो चुनाव 13 को होना था 20 को कर दिया गया।
चुनाव आपने जैसे कहा कि किसी पार्टी सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में लेकर चुनाव आयोग ये इस तरह के निर्णय लेता है, मुझे लगता है पहले भी इस प्रकार का निर्णय हरियाणा में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी चुनाव आयोग से कि चुनाव की जो डेट है वो बढ़ाई जाए। पहले जो नोटिफिकेशन किया था चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे हरियाणा में, उसके बाद डेट बढ़ाकर उन्होंने 5 अक्टूबर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से एक जो बिश्नोई समाज का है उस दौरान एक वो आ रहा था इवेंट होता है एक कार्यक्रम होता है, अच्छा मुकाम साहब जाते हैं वो, और वहाँ पे उसका एक माध्यम बनाया था कि बिश्नोई समाज के लोग ज्यादातर संख्या में मुकाम जाते हैं राजस्थान मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे इसलिए डेट बढ़ाई जाए। दूसरी ओर 2 अक्टूबर का दिन भी बीच में पड़ता, छुट्टी का दिन था, और उसके बाद सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन होते हैं, इस प्रकार से लंबी छुट्टियां होने के कारण कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉई है जो कहीं ना कहीं घर से बाहर होते हैं, अपने जो वहाँ वोटर होता है उनसे दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे वोट करने के लिए शायद नहीं आ पाएंगे। ये माध्यम बनाकर उन्होंने एक डेट बढ़ाने की मांग की थी। और इससे पहले भी 2022 में पंजाब में जो चुनाव हुआ था उनकी भी एक बार डेट बढ़ाई गई थी, उस टाइम भी गुरु पर्व को माध्यम बनाया गया था, गुरु पर्व पड़ता था उस जो पहले जो डेट फिक्स की गई थी जी। और उसको देखते हुए पहले भी ये डेट बढ़ाई जा चुकी है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है। लेकिन अब ज्यादा उससे पहले पंजाब से पहले इस तरह का कोई उदाहरण मुझे लगता है कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे पिछले चुनावों से तो ट्रेंड जैसा ही हो गया एकदम से। और फायदा नुकसान की जब बात करें तो जो हरियाणा में जो डेट बढ़ाई गई थी चुनाव की, जो मतदान की जो डेट बढ़ाई गई थी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था। और क्योंकि चुनाव से पहले जो एक लहर बनी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की लहर बनी हुई थी कि अब की बार कांग्रेस की सत्ता में आएगी, और उसको देखते हुए सभी तरह के इंतजाम, सभी तरह के जो माइक्रो मैनेजमेंट थे भारतीय जनता पार्टी ने किए, और उस माइक्रो मैनेजमेंट में ये एक डेट बढ़ाने वाली मैनेजमेंट भी, एक इवेंट भी शामिल थी, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा हुआ था। अभी भी जो उत्तर प्रदेश में डेट बढ़वाने की बात उन्होंने की है तो मुझे लगता है उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर जो पंजाब और केरल की हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, लेकिन किसके पक्ष में जाएगा डेट बढ़ाना ये तो चुनाव के बाद। मेरा सवाल यही होने वाला था अभी आपसे चुनाव के बाद पता चला कि मेरा साहब देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने और पंजाब और केरला की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है डेट बढ़ाने के लिए आगे आवेदन किया और उसके बाद डेट्स बढ़ा दी भी गई है। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए कि अगर ये डेट्स जैसे बढ़ी हैं इसका जो फायदा है वो किसको मिल सकता है? देखिए फायदा नुकसान की अगर बात करते हैं तो हरियाणा की जुमा आप ये उदाहरण हमारे सामने हरियाणा का उदाहरण है तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने डेट बढ़ाने की मांग की थी और डेट चुनाव आयोग द्वारा बढ़ाई गई और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में निश्चित रूप से फायदा हुआ है। उसका जो मतदान जो का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की उस समय काम आई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी में भी उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो मतदान की जो डेट है वो एक्सटेंड करने की के लिए निवेदन किया और चुनाव आयोग ने उनकी बात को स्वीकार किया जी। और डेट बढ़ाई गई। मतलब आपके अनुसार कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा है डेट्स को आगे बढ़ाना। मतलब इस तरह से अगर एक ट्रेंड बना हुआ है तो एक कहीं ना कहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है और निश्चित रूप से है। और चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए डेट बढ़ाने की निवेदन करते रहे चुनाव आयोग से और मांग करते रहे, चुनाव आयोग ने भी उनकी बात मानी। मेरे साहब एक बड़ा ही मतलब एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि डेट्स जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, 1 हफ्ता लगभग डेट्स आगे बढ़ गई है, तो जो चुनाव आयोग है वो चुनाव के खर्चे पहले तय करता है, लेकिन 1 हफ्ता जो आगे डेट्स बढ़ी हैं क्या जो खर्चे हैं उनकी भी सीमा है वो भी बढ़ेगी? बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया आज, ये जो खर्चा बढ़ाने की बात की है जैसे देखिए जो 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने की जो नोटिफिकेशन थी
चुनाव आयोग द्वारा ये 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी की गई थी और 18 अक्टूबर से नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू होती है जी। उसके बाद आखिरी तारीख नामांकन की 25 अक्टूबर थी और उसके बाद स्क्रूटनी का टाइम 28 तारीख था, 28 अक्टूबर था। और उसके बाद चुनाव 30 अक्टूबर को जो आखिरी तारीख थी वो थी नामांकन पत्र वापिस लेने की जी। वापिस लेने की तारीख 30 अक्टूबर थी। उसके बाद मतदान 13 अक्टूबर को होना था और ये सभी राजनीतिक पार्टियां मुझे लगता है जो नोटिफिकेशन की जो डेट होती है उससे अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देती हैं। टिकट जिसको अपने अपनी पार्टियों को उम्मीदवारों को टिकट देते रहते हैं और वो चुनाव प्रचार शुरू करते रहते हैं और चुनाव प्रचार के का जो खर्चा आता है चुनाव आयोग उसी को काउंट करता है जो नोटिफिकेशन के बाद चुनाव का खर्चा होता है। और अब पहले चुनाव प्रचार के लिए कम दिन मिले थे उन्होंने, जहां पे 13 तारीख को नवंबर को चुनाव होना था, चुनाव प्रचार के लिए कम दिन कम समय मिला था, अब उनका समय बढ़ गया है जी। एक सप्ताह समय बढ़ गया है, निश्चित रूप से उनका खर्चा भी ज्यादा होगा, घटा बेसी बात है। तो उस हिसाब से खर्चा ज्यादा होगा, उस हिसाब से चुनाव आयोग ने इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए, क्लैरिटी नहीं की कि उनके चुनाव में कहीं कहीं कोई ना कोई इजाफा किया जाएगा, इस तरह की बात अभी तक क्योंकि अगर कोई सामने नहीं आता, कैंपेन बढ़ती आगे तो खर्चे तो बट ऑब्वियस ही बात है बढ़ ही जाएंगे। देखिए विधानसभा में जो चुनाव आयोग ने एक लिमिट तय की है खर्चा करने की वो 40 लाख रुपए की, और 40 लाख वो उन्होंने जब खर्चे का जो एस्टिमेट वो बना के चले थे जो उम्मीदवार हैं वो तो कहीं ना कहीं 13 तारीख तक 40 लाख उनको खर्च के लिए, लेकिन अब 7 दिन आगे चुनाव प्रचार उन्होंने करना पड़ेगा तो उनका खर्चा निश्चित रूप से ज्यादा होगा और कैसे मैनेज कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने अभी तक किसी तरह के कोई निर्देश उनको जारी नहीं किए हैं। और जैसे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का खर्चे की जो सीमा है 95 लाख की, हालांकि कई स्टेट में यूटी में यूनियन टेरेटरी में कई तो जो 75 लाख भी है और उससे भी कम है, कहीं कहीं जो छोटे लोकसभा क्षेत्र है उसमें कहीं भी छोटे उसमें कम भी है, लेकिन अब जो लोकसभा में 95 लाख की होता है कि हालांकि लोकसभा का क्षेत्र की कोई जो चुनाव की जो डेट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ा है। जो 14 जो विधानसभा के उपचुनाव हैं ये इनमें डेट बढ़ी है, एक सप्ताह का इनको टाइम और ज्यादा आगे मिला है प्रचार करने का और उसमें निश्चित रूप से खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन इस प्रकार की कोई निर्देश जारी न करना ये असमंजस की स्थिति पैदा करता है उम्मीदवारों के लिए, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे और जितना और ज्यादा खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं वो दूसरे तरीके से वो मैनेज करेंगे। देखिए अगर बात करें तो 30 अक्टूबर जो था वो डेट थी नाम वापस लेने की और 13 अक्टूबर को चुनाव थे, यानी कि लगभग 2 हफ्ते का जो समय था कैंपेन का, अब जो है वो 3 हफ्ते का हो गया है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना जो समय जो है, मतलब आधा समय उतना ही और बढ़ गया, 1.5 गुना समय हो गया, तो खर्चे बट ऑब्वियस बात है बढ़ेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं भी इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अभी किस तरह कोई चुनाव की तरफ से कोई निर्देश उनको नहीं दिया गया, कैसे कर पाएंगे ये उनके लिए भी असमंजस की स्थिति है और एक सवाल भी बढ़ता है। सो दोस्तों चुनाव की एक जो तिथि है वो तय हो जाना और नोटिफिकेशन जारी हो जाना और उसके बाद पार्टियों द्वारा आवेदन करने के बाद चुनाव के जो तरीके हैं आगे बढ़ा देना, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है? क्या ये जो पार्टियां हैं इस समय के दौरान अपनी रणनीति जो है अपनी जीत की ओर ले जाती हैं, या ये वाकई लोगों की फेवर में है कहीं ना कहीं, जो अगर बात करेंगे वोट प्रतिशत की तो उसको बढ़ाने के लिए है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरे साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।